हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पूरे मैट्रिक स्पेस, अगर मैं बोलूं तो इस टॉपिक के आसपास घूमेगा, क्योंकि आगे जितने भी डेफिनेशंस करेंगे हम, ओपन स्फीयर्स जैसे ओपन सेट करें या क्लोज सेट करें, या फिर आगे भी आप कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, जो भी टॉपिक करेंगे, कन्वर्जेंस की बात कर लीजिए, हर जगह ये टर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ओपन स्फीयर्स एंड क्लोज स्फीयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ओपन स्फीयर्स। ओपन स्फीयर्स बहुत ज्यादा यूज होंगे इस पूरे मैट्रिक स्पेसेस में आगे, तो इस डिफिनीशन को समझ लीजिए। बहुत बेसिक, बहुत आसान डिफिनीशन है, बट मैं स्टार्ट करूं इससे पहले, कुछ बुक्स में ये जो ओपन स्फीयर मैं लिख रहा हूं ना, इसी को क्या डिफाइन करते थे, नेबरहुड, ना नेबरहुड। तो नेबरहुड जिसे ओल्ड बुक में जब हम पढ़ते थे, तो हमारे सर जो पढ़ाए ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर का जिक्र ही नहीं किया, बस ये डायरेक्ट नेबरहुड लिखते थे, ठीक है ना। तो ये बाद में मैं देखा जो अच्छी बुक्स है, या फिर रिसेंट ईयर्स में आप कोई भी सिलेबस देखिए, वहां पे सबसे पहले आपको ओपन और क्लोज स्फीयर जरूर लिखता है, ठीक है ना। तो अगर कोई पुरानी बुक या मतलब ऐसे बुक पढ़ते हैं जहां पे ओपन स्फीयर्स नहीं दिया हो ना, तो आप अगर डिफिनीशन ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वहां पे वो क्या देगा, नेबरहुड किसी पॉइंट का, इप्साइलन नेबरहुड ऐसे करके डिफाइन करते हैं। आप देखेंगे ना, वो डिफिनीशन ओपन स्फीयर जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उससे मिलता है, ठीक है ना। तो अगर कोई ओल्ड बुक पढ़े वहां पे ओपन और क्लोज स्फीयर नहीं दिया है, घबराने की बात नहीं है, आप डिफिनीशन देखेंगे तो जो नेबरहुड डिफाइन किया है ना, उसी को वो ओपन स्फीयर को ही वो नेबरहुड डिफाइन करते हैं। बट हम प्रॉपर तरीके से चलेंगे एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वहां पे ये टर्म मेंशनड है, ठीक है। तो ओपन एंड क्लोज स्फीयर्स, सबसे पहले हम करेंगे ओपन स्फीयर, अगर ये समझ में आ गया तो क्लोज स्फीयर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होता क्या है समझिएगा, जैसे बोला ना ओपन स्फीयर्स, और इसी को कुछ बुक्स में ओपन वॉल भी बोलते हैं, तो मैं हेडिंग फिर से लिख देता हूं, ओपन स्फीयर और ओपन वॉल, इसको ओपन वॉल भी बोलते हैं, मतलब स्फीयर को वॉल भी कुछ बुक्स में आप देखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों मैंने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब ये ओपन स्फीयर होता क्या है या ओपन बॉल, देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ओपन स्फीयर बोल रहा है ना, तो सीधी सी बात है, आप एक जो दिमाग में सेंस जाता है ना कि ऐसा जो हम लोग स्फीयर पढ़े हैं ना थ्री डायमेंशन में, वैसा कुछ बनेगा, मतलब ऐसा ये इस तरह का शेप बनेगा, ठीक है ना। और ऑब्वियस सी बात है, ये डॉटेड मैंने कर दिया, तो इसकी बाउंड्री पॉइंट्स को मैं हटा रहा हूं, मतलब ये वाले पॉइंट्स को हटा रहा हूं। अभी हमने रिसेंटली डिस्क जो किया था आपने ना, ओपन डिस्क याद करिए, नेबरहुड, इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे R2 में जब लेंगे ना इक्लिडियन स्पेस या R3, तो R2 में जो है एग्जैक्टली ओपन डिस्क ही बनता है ओपन स्फीयर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ सेंस होता है, मैं आपको बता रहा हूं, बट हमेशा ऐसा नहीं दिखेगा। यूजुअल मैट्रिक स्पेस में जो ओपन स्फीयर आएंगे वो इंटरवल्स आते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रीट में लेंगे तो सिंगलटन सेट आएगा, या फिर पूरा पूरा स्पेस आता है, एग्जांपल भी करेंगे, बट आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ दिखेगा। अब जब स्फीयर का नाम ले लिया आपने, तो ऑब्वियस ही बात है दिमाग में आपके आएगा सेंटर और इसकी रेडियस, ये आएगा ना, सेंटर क्या है और इसकी रेडियस क्या है। तो सेंटर पे क्या होता है, अभी मैं डिफाइन जो करूंगा वो एलिमेंट आता है, और जो रेडियस बोल रहे हैं ना, इप्साइलन भी लिख सकते हैं या फिर आप आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बुक में जो नोटेशन है वो मैं मैक्सिमम बुक्स में मैं आर लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, आर रेडियस है, और ए जो है एक एलिमेंट है उस मैट्रिक स्पेस का, भी डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो इस ए को मैं बोलता हूं इस स्फीयर का सेंटर, ओपन स्फीयर का सेंटर, और इस आर को मैं बोलता हूं रेडियस, ठीक है। ऐसे दिमाग में आप बिठाइए पिक्चर, ताकि आपको समझ में आए, ये पिक्चर बने। बट मैं हर एक मैट्रिक स्पेस में ऐसा नहीं कि केवल ओपन स्फीयर यही शेप लेगा,
इंटरवल्स भी ले सकता है, सिंगलटन सेट भी ले सकता है, बट कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे दिखता है ये। ठीक है, अब चलिए, तो मैं ओपन स्फीयर का डिफिनेशन क्या हुआ, देखिए सिंपली क्या हुआ, एक मेट्रिक स्पेस लेना है, मैं यही पे डिफाइन कर दूं, एक बार एक्सप्लेन कर दूं फिर आपको लिखता हूं। एक्स डी मेट्रिक स्पेस है, इस मेट्रिक स्पेस का एक एलिमेंट लेना है ए, ठीक है, और कोई भी एक रियल नंबर लेना है आर जो कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ओपन स्फीयर जिसका सेंटर होगा ए, रेडियस होगी आर, हम जो यहां पे नोटेशन यूज करेंगे, ये नोटेशन यूज करेंगे ऐसा, किसी बुक में कोई और नोटेशन ऐसा लिख सकता है, कोई आपको घबराने की बात नहीं है, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, नोटेशन की बात है, मैं ये नोटेशन यूज करूंगा। अब ये होता क्या है, ये उस मैट्रिक स्पेस के उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा ओपन स्फीयर, जिनका डिस्टेंस ये जो सेंटर में पॉइंट है ना ए, इससे जो है इस रेडियस आर से क्या होगा छोटा। देखिए अब ये सी बात है, हम लोगों ने किया है डिस्क वाला कॉन्सेप्ट, लिंक करेंगे तो इसमें क्या होगा, वो सारे मैट्रिक स्पेस के पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस जो है ना इस ए के साथ ना, वो क्या हो जाए, लेस हो जाए उस रेडियस से, आर से छोटा हो जाए, यही डिफिनीशन है। क्लियर, बस यही ओपन स्फीयर का डिफिनीशन है। तो चलिए अब अगर ये चीज समझ में आया जो मैं इतना देर से एफोर्ट दिया, अब मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूं, तो क्या हुआ, इसका डिफिनीशन ओपन स्फीयर या फिर ओपन बॉल का डिफिनीशन क्या होगा, पहले तो एक मैट्रिक स्पेस लेना होगा, सो लेट ओह जितना अच्छा मैं लिखने की कोशिश करता हूं उतना, चलिए ठीक है, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, आपको एक मैट्रिक स्पेस लेना होता है, ठीक है ना, बी अ मैट्रिक स्पेस, एंड इसका एक एलिमेंट लेना होता है, एंड एक एलिमेंट मैंने लिया इस एक्स का, ठीक, देन देन अच्छा यही पे मैं लिख देता हूं, एंड दिस मैं प्रॉपर और कर देता हूं, मैं लिखता हूं फॉर, मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर कोई भी रियल नंबर आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, द ओपन स्फीयर, द ओपन स्फीयर सेंटर्ड सेंटर्ड एट ए ए इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई, नोटेशन देखिए मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे, एस ये सेंटर यहां पे और रेडियस के लिए नीचे दिस, ये नोटेशन मैं यूज करूंगा, डिनोटेड बाई दिस, And is defined as, and is defined as, कैसे define करेंगे, S A R, ठीक है ना, और क्या होगा, मैंने अभी just लिखा था वो सारे elements का collection, this open sphere centered at A and with radius R is defined as, it is the collection, this is the set ना, so this is the set of all elements, all those elements of this metric space X such that whose distance from this element A must be less than R. This is the definition. तो definition यही है कि उस metric space के ये एक set होता, open sphere क्या है, उन points का collection है X, वो पॉइंट्स ना मैट्रिक स्पेस का जिनका डिस्टेंस A के साथ क्या होगा, इस R से छोटा होगा, ठीक है ना, सो लेट XD बी अ मैट्रिक स्पेस एंड A बिलोंग्स टू X, फॉर R ग्रेटर देन 0 द ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट A इज डिनोटेड बाय दिस एंड इज डिफाइंड एज दिस, यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट करके, R इज कॉल्ड, R इज कॉल्ड द रेडियस, the radius of open sphere this and A the center of this open sphere, okay, so A जो यहां पे है उसको हम center बोलते हैं उस open sphere का, and R is called the
रेडियस ऑफ द ओपन स्फीयर। गॉट माय पॉइंट? अब क्लोज स्फीयर क्या होगा, ये जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना, ऐसे सेंस समझे तो ये बाउंड्री पॉइंट्स को भी आप क्या करिए, इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। सो यही पे क्लोज स्फीयर या क्लोज्ड बॉल ना, सो यहां पे मैं लिख देता हूं क्लोज्ड स्फीयर और क्लोज्ड, ओके, और क्लोज्ड बॉल। ये क्या होगा, पूरा डिफिनीशन सेम डिफिनीशन सब कुछ वही होगा, बस यहां पे डिफरेंस क्या हो जाता है कि रेडियस जो इनके बीच का उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा, ये क्लोज स्फीयर जिसकी रेडियस उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस ए के साथ आर से छोटा हो या इक्वल, यहां पे इक्वल लग जाएगा। सो दैट मींस वी इंक्लूड द बाउंड्री पॉइंट्स आल्सो, सिंपल सा जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, सो मैं यहां पे अब डायरेक्ट मैं लिखता हूं ना, लैंग्वेज वही होगा, सब कुछ वही लिख देंगे आप कि लेट एक्स दिस बी अ मैट्रिक स्पेस ए बिलोंग्स टू एक्स फॉर आर ग्रेटर देन जीरो, द क्लोज स्फीयर सेंटर एट ए इज डिनोटेड बाय दिस, एंड डिफिनीशन मैं लिख देता हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अब मैं यहां पे लिखता हूं सीधे सीधे ना, द सेट नोटेशन देखिए बस वही होगा, यहां पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, ये मतलब क्लोज के लिए, ओपन के लिए देखिए ये जो ओपन इंटरवल जैसे लिखते थे और ये क्लोज इंटरवल लिंक कर सकते हैं, याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दिस ये क्या होगा, उन कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू आर। तो यहां पे देखिए लेस था यहां पे, दैट मींस वी हैव इंक्लूडेड बाउंड्री पॉइंट्स आल्सो हियर, ओके, फॉर कॉन्सेप्ट बेसिस यू जस्ट रिमेंबर वी इंक्लूड बाउंड्री पॉइंट्स आल्सो, ओके। तो द सेट दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर्ड एट ए, सिंपल सा डिफिनीशन है, ठीक है। अब लॉजिक समझ में आया, सो देखिए जब भी पूछेगा आपको क्वेश्चन में तो ये आर कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, क्वेश्चन में अगर बोले तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको बनाना है। एग्जांपल्स की बात आती है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली विजुलाइज करवाने की कोशिश किया, लेकिन जैसा कि मैंने बोला हर इन ईच मैट्रिक स्पेस इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ओपन स्फीयर विल लुक लाइक एग्जैक्टली दिस, इट डिपेंड्स ऑन मैट्रिक स्पेस। इफ यू टेक यूजुअल मैट्रिक स्पेस ओपन स्फीयर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एनी रेडियस विल बी ओपन इंटरवल, ओके, एंड इन डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस इट मे बी अ सिंगलटन सेट और मे बी होल स्पेस, इट डिपेंड्स, बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यू जस्ट रिमेंबर दैट इट विल लुक लाइक दिस वन, ओके। बस कॉन्सेप्चुअली मैट्रिक स्पेस पे डिपेंड करता है कि ओपन स्फीयर क्या आता है, बट सेंस वही होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, सो नाउ this is the turn to have some good examples which we will encounter the coming concepts, okay. The first one is that in usual metric space what will be the open sphere, okay. So now consider this one, consider the usual metric space, the usual metric space, okay, RU, I am taking the usual metric space RU, no, not RD, जहां पे ये usual metric है, usual metric we have studied in detail, okay. So consider this and I am taking A as any real number, okay, and this and R I am taking any positive real number, that will be the radius, so R
will be any positive. It is also a real number. Okay. So now my question is that what will be the open sphere of this point with radius r in this usual metric space? This is the question mark. Now I'm going to solve this one, but I request you to please try to find out this open sphere for any real number and for any radius greater than 0. This is also a real number. Okay. So the center is this point A and radius is R. So I don't know you have tried it or not. Please pause the video and try to find out this open sphere. Please आप try करें क्या होगा open sphere. Now अगर आपने try किया that's good, और अगर आ भी गया open interval आना चाहिए था. So if not, I am just trying to solve this problem. So just look, whenever in any metric space it is asked to find out the open sphere center at any point A of that metric space and for any positive real number R, just simply write the definition of open sphere. So kya definition tha? This set will be collection of those elements of that metric space whose distance from this center A must be less than R. Just simply write the general definition of open sphere which we have discussed here. ठीक है, आपको जब भी पूछे आप सिंपली लिख लीजिए. अब उसके अकॉर्डिंगली द नेक्स्ट स्टेप विल बी इन दिस मैट्रिक स्पेस व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ दिस मैट्रिक डी. सो इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में कैसे आपने डिफाइन किया था डिस्टेंस बिटवीन टू रियल नंबर्स ऑफकोर्स या टू रियल नंबर्स कैसे डिफाइन किया था, प्लीज बोलिए डिस्टेंस कैसे डिफाइन किया था आपने. मॉड एक्स माइनस ए फॉर एवरी दिस टू एलिमेंट्स, इफ आई एम टेकिंग दिस टू एलिमेंट्स जनरल. सो दिस वाज द डिफिनेशन. सो जस्ट राइट हियर फ्रेंड्स दिस सच दैट नाउ यूज द डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक. सो दिस विल बी मॉड एक्स माइनस ए विल बी लेस देन आर. नाउ here we will use the concept of what, modulus inequality, which we have discussed in NEP first semester real analysis portion, I think, where we have discussed the sequences, the concept of sequences and real numbers na neighborhood, wahan pe yaad kariye. So we have discussed. So yahan pe kya hoga, so x minus a this must be less than r. Modulus inequality kya hota hai, agar aisa hua तो माइनस आर लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन दिस. दोनों साइड इनइक्वालिटी में आर एड सॉरी ए ऐड करेंगे तो ए यहां पे ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम ए माइनस आर. यहां पे ए ऐड करेंगे तो ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा दिस एंड हियर आई विल गेट दिस. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड ए इन दिस इनइक्वालिटी, बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी वी गॉट दिस वन. ओके, सो ये होता है मॉडुलस इनइक्वालिटी का, मैंने वहां पे भी बताया था. तो ये डिफिनीशन है. सो फ्रॉम हियर आई गेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट ए माइनस एक्स इज लेस देन सॉरी ए माइनस आर इज लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस आर. एंड नाउ फ्रेंड्स कमिंग टू द रियल नंबर सिस्टम, इफ आई ड्रॉ दिस रियल नंबर, ओके now here is the point, okay, here is the point A. Now A plus R will be somewhere here since R is positive and A minus R will be somewhere here, A minus R. What my point? So this is this that means this inequality, whole inequality represent an open interval na, open interval this one. Look here. Okay, so what we got, this whole expression I can write it as the open interval a minus r a plus r. Got my point? So remember, this is very very important, you have to remember this as a result. In usual metric space for any point A, that means which will be on center
एंड द रेडियस आर द ओपन स्पीयर विल बी द ओपन इंटरवल ए माइनस आर प्लस ए कॉमा ए प्लस आर दिस विल बी द ओपन इंटरवल. नाउ लुक हियर कंपेयर टू दिस जनरल रिजल्ट. आई टोल्ड यू ना कि इट डिपेंड्स ऑन मेट्रिक स्पेसेस सो हियर आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन एज ओपन स्पीयर टेकिंग एज अ ओपन स्पीयर बट लुक हियर दिस ओपन स्पीयर इज वॉट एन इंटरवल बट लुक हियर this is this work as r work as a radius r here also okay since we are on real line system so if I move right to this element a so a plus r will be here and if I move r unit back then this point will be a minus r but as a distance this is the radius of the this open sphere that means interval got my point So in usual metric space, the open sphere, you have to remember this as a result. Please remember it as a result. मैं यहां पर लिखता हूं इसको as a result आप याद करके रखेंगे ठीक है. Got my point? Okay. So in usual metric space, the open sphere center at A with radius r will be this open interval a minus r. comma a plus r now can you tell me what will be the closed sphere in same usual metric space here usual metric space what will be the closed sphere of a that means center a and radius r so look friends you have to just put here equal and then if you put here equal so this will become closed interval so also please remember in usual metric space the closed sphere is this closed interval a minus r or a plus r ठीक है friends ये याद रखिएगा तो usual metric space में closed sphere जो होगा वो क्या आता है closed interval आता है ये वाला ठीक है समझ में आया. नाउ अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल करने जा रहा हूं ठीक है ना. क्या डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर क्या होगा. सो नेक्स्ट एग्जांपल एंड आई विल गिव इट एज होमवर्क एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस. सो नाउ आई एम राइटिंग कंसिडर the discrete metric space discrete okay consider the discrete metric space metric discrete metric metric space discrete metric space xt okay and if I am taking a as any element of this Now, for any positive real number, this any look here any okay, what will be the open sphere? Okay, this one and this is the first question, and second question will be what will be the closed sphere? And look here, mind my language. I am again telling. This r can be any positive real number now aapka comment aana chahiye ki kya aa sakta hai ye positive real number agar main le raha hu to ye kuch bhi le sakte hai positive real number so is case mein jo discrete metric space mein open aur closed spheres kya banenge bade interesting case hai friends yahan pe इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने आप समझ में आ जाएगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें पढ़ाई करते रहें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. ठीक है.